ये टोटली फ्रीजर है। यहाँ पे आप ड्राई आइटम कुछ भी है ना, लाइक ड्राई फ्रूट, ड्राई नट, आइसक्रीम, चॉकलेट, सारा स्टोर करते हैं, नॉन वेज सारा स्टोर कर सकते हैं यहाँ पे पूरा फ्रीजर पे। ये फिश एंड मीट, यहाँ पे भी फिश एंड मीट है, स्लाइडर जैसे होता है, सब खोल सकते हैं, पूरा बाहर भी खोल सकते हैं, कोई देने के लिए ऐसे टेप करके ड्राई आइटम कुछ भी है, ड्राई फ्रूट, ड्राई नट, आइसक्रीम, चॉकलेट, नॉनवेज सारा फ्रीजर में स्टोर कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे ये रेफ्रिजरेटर है, ये तो ज़्यादा टाइम दो खोला वर्क बीच पर देता है, ऊपर डाउन डोर करने पर तो बीच निकल जाएगा। ये रफ्को रेफ्रिजरेटर है, यहाँ पे आप लाइक फ्रूट आइटम, मील, कार्ड, ये सारा आइटम वेजिटेबल फ्रूट सारा स्टोर कर सकते हैं। यहाँ पे फूड आइटम के लिए ये वाइन रैक है, वाटर कूलिंग बॉटल रख सकते हैं, लाइक वाइन बॉटल है, वाइन रैक खोल के वो सारा स्टोर कर सकते हैं। ये मिल्क एंड कार्ड रखने के लिए कार्ड के लिए, नहीं तो बेकरी आइटम भी रख सकते, कुछ ड्राई आइटम, ये आइटम नॉर्मली। यहाँ पे तो वेजिटेबल फ्रूट्स, यहाँ पे तो वेजिटेबल फ्रूट्स, यहाँ पे देखिए कभी आप खाली फ्रूट रखते हैं ना, ऐसे रखना पड़ता है, जस्ट ह्यूमिडिटी कंट्रोलर है, वहाँ से फ्रूट सिंबल पे रखना पड़ता है, उसके अंदर वेजिटेबल रखा है ना, ऐसा आप वेजिटेबल सिंबल रख सकते हैं। यहाँ पे कुछ प्लेटिस का अंदर था, कुछ वेजिटेबल फ्रूट्स रख सकते हैं। ये स्पेशली डिजाइन लाइक वेजिटेबल्स रखा, मोर फ्रेश के लिए वो दिया है, खाली वेजिटेबल्स को वेजिटेबल्स से फ्रूट से फ्रूट ऐसे रख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे तो बॉटल्स, कॉस्मेटिक्स, मेडिसिन, ये भी सारा आप रख सकते हैं, इसमें डेयरी आइटम और कॉस्मेटिक्स मेडिसिन आइटम सारा आप स्टोर कर सकते हैं। ये एक्चुअली आपको देखिए 4 लीटर तक कप स्टोर कर सकते हैं, 4 लीटर तक, अब 2 लीटर के बाद ही वो पानी कुछ चाहिए, मोर देन 2 लीटर स्टोर करने, मतलब 4 लीटर तक स्टोर करना, बट ये पानी 1 लीटर और 2 लीटर आ गया बोलो तो वहाँ पे वो पानी नहीं ले सकते, वो सारा आइस पीस के लिए यूज होता है, कभी भी पानी चाहिए तो एटलीस्ट 4 लीटर स्टोर करके रखना। इसमें इतना ही है, मतलब एक कप आइजन का शॉप देख रहे हैं ना, ये जस्ट कभी कुछ कुछ वेजिटेबल्स कुछ रखा है तो उसको फ्रेश पीस ज़्यादा बनाता है, अंडर इसमें कुछ बैक्टीरियाज वेजिटेबल्स खराब होने के लिए कुछ बैक्टीरियाज होता है, वो सारा किल हो जाता है, इसके लिए ओजन फ्रेश है तो फ्रेशनेस ज़्यादा रखता है, वेजिटेबल्स पर सारा खाने वो काम करता है। वो तो हो गया, नेक्स्ट यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ, छोटे से ग्लास देते हैं चाहिए जस्ट इसको, है ना, ट्विस्ट करके
सॉरी पहले इधर पानी पानी सेट करना पानी आ गया खाली अभी जो बड़ा बॉल लेके इसको टच करके रखे तो भी उसमें पानी भरेगा निकल सकते हैं नेक्स्ट आपको कभी क्यूब राइस चाहिए जस्ट इधर रख के कुछ ऐसा प्रेस करें तो क्यूब राइस इसके अंदर पड़ेगा क्रश राइस ये रख के करें तो क्रश राइस आएगा एक बार 45 मिनट्स 50 मिनट्स चाहिए फीट्स होने के लिए आप अगर तो वो यूज़ कर सकते 45 to 50 मिनट जनरली इट विल टेक यस और ना पानी के लिए प्रेशर के लिए क्यूब नेक्स्ट आपको यहाँ पे आपको ये बताता हूँ आपको टेम्परेचर पहले बताता हूँ ये फ्रीजर का है ये फ्रीजर बोलता है ना फ्रीजर पे आप देख सकते हैं -23, -14 डिग्री से -24 डिग्री तक आपको टेम्परेचर हम सेट कर सकते हैं बेसिकली कभी विंटर होता है ना मैडम लाइक हमारा ह्यूमिडिटी लाइक 10 डिग्री 15 डिग्री रहेगा ना उस समय आप -15 और -16 रख सकते हैं बट 3 डिग्री ऐसा कुछ रहेगा ना उस समय 0, -18 और -19 रखना अभी के लिए -18, -19 ही रहना बट और ज़्यादा ठंडा ज़्यादा कूल चाहिए बाहर का टेम्परेचर 40-45 डिग्री रीच हो रहा है आप -20, -21 अप टू 24 तक रख सकते हैं बट बैंगलोर में -19 और -18 इज मैक्सिमम वही चलेगा और ज़्यादा आपको जरूर नहीं है दिस फॉर फ्रीजर नेक्स्ट फ्रिज का बारे में बात करता हूँ दिस फॉर फ्रिज फ्रिज के लिए फ्रिज में आप देख सकते हैं 7 डिग्री से शुरू होता है 7 डिग्री आके वही विंटर सीजन में हाँ आप 7 डिग्री और 6 डिग्री रख सकते हैं अभी के लिए मैं आपको एक 4 डिग्री और 3 डिग्री रिकमेंड करता हूँ और ज़्यादा चाहिए 2 और 1 डिग्री तक रख सकते हैं बट जरूर नहीं बस उतना ज़्यादा टेम्परेचर तो नहीं रहेगा अभी के लिए आप एक 4 डिग्री में रखे तो चलेगा इसको तो पावर सेव भी होगा कूलिंग भी नॉर्मल रहेगा कितना कम टेम्परेचर रखते हैं ना उतना कम पावर सेव होता है एंड कितना बार डोर खोलने का अवॉइड करते हैं ना उतना पावर सेव होता है बेसिकली इन्वर्टर टेक्नोलॉजी है पावर सेव तो ज़्यादा ही करता है ठीक है नेक्स्ट आपको ये तो नॉन क्लाइंबिंग छोड़ दीजिए इसका काम कुछ नहीं है नेक्स्ट आपको ये है ना अनलॉक एंड अनलॉक ये लॉक कर दिया बोलो तो कुछ नहीं होगा अच्छा स्क्रीन लॉक एंड अनलॉक ये डिस्प्ले टोटली लॉक फिर डीएक्टिवेट करने के लिए वेट लीजिए ठीक है आपको पावर एजेंट के बारे में बताता हूँ अभी तो ये ऑन है देखिए ऑन हो चुका है ब्लू कलर का अभी जब आप करता हूँ ऑफ हो जाएगा नेक्स्ट इसमें ऐसा बनाता हूँ ये थोड़ा नॉर्मल काम करता है इस पर डिम लाइट काम होता है और इसमें और थोड़ा डार्क से काम होता है दिस इज वेरी सिंपल आपको ये छोड़ के ऐसा करके छोड़ सकते हैं कभी भी बट अभी बाहर से कुछ वेजिटेबल सारा एकदम लेके आता है ना उस समय ज़्यादा है थोड़ा अच्छा पास से होना चाहिए कुछ बच्चे सारा पावर कर सकते बट इसको आप कंटिन्यूस 24 आवर्स करके का जरूर नहीं है कभी आप बाहर से लेकर के एक बार पूरा छोड़ करते हैं ना उस समय एक 3-4 घंटे और 5-6 घंटे के लिए छोड़ दीजिए बाद में फिर इसको बंद करके ही रख सकते हैं बंद करके रखें तो एटलीस्ट उसका यूवी लाइट सारा होता है ना वो लाइट रहेगा ओके बेसिकली वो यूवी लाइट है जो बैक्टीरिया ही सबको यस एंड अब कभी स्टोर करता है ना उस समय 3-4 आवर्स यूज करके चलेगा 24 आवर्स का जरूर नहीं चाहिए इफ यू वांट यू कैन यूज इट नॉर्मली अभी के लिए मैं चालू रखता हूँ आफ्टर 24 आवर्स और सम लाइक 10 आवर्स यू कैन ऑफ और कुछ डाउट पूछिए मैडम बिकॉज़